देखिए मैंने सब कपड़े निकाल के रख लिए हैं अलमारी से। ओहो कितना अच्छे से पकड़ी है, देखिए। शाम को 4 बजे मैं गई थी हॉस्पिटल गायनोकोलॉजिस्ट के पास। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजू डॉट आशु ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 8, हम लोग सो के उठ गए। थोड़ा बहुत मैंने काम कर लिया घर का, अभी आई थी तुरंत लाइट और फिर चली गई। रात भर लाइट नहीं थी, मीन्स आधी रात तक थी, उसके बाद चली गई थी। फिर अभी थोड़ी देर के लिए आई, फिर चली गई। ऐसे बारिश में एकदम परेशान कर दी गई लाइट, पता नहीं कब ठीक हो गया लाइट का प्रॉब्लम, परेशान कर देती। कल भी पूरे दिन लाइट नहीं थी, आपको पता। सुबह नहीं आई और दोपहर तक नहीं आई। उसके बाद आई कब, वो 2 बजे के बाद, फिर कुछ देर रही थी, उसके बाद फिर चली गई थी। ऐसे आ जा कर रही है बस। और बारिश भी, कभी मौसम लग रहा है कि होने वाला है और कभी लग रहा है नहीं होने वाला है। कल रात में ऐसा लग रहा था कि पूरे घने बादल छा रहे कि आज हो जाएगी बारिश, लेकिन आज नहीं हो रही है बारिश। एकदम मौसम साफ हो गया है। सृष्टि और उसके डैडी अभी सोए हुए हैं, मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। काम मेरा आधा हो चुका है, कुछ काम बाकी है, वो सब करके दिखाती हूँ आपको। मेरी सृष्टि उठ चुकी है, वो सोई थी अभी। लाइट नहीं है तो कोई चीज़ साफ से दिखेगा नहीं, क्योंकि अंधेरा है पूरा घर में। हमारे मतलब घर में इतना उजाला नहीं आ पाता है। सृष्टि उठ गए आप? उठ गए? गुड मॉर्निंग बोल दो। अच्छा टाटा बोल दो। गुड गर्ल। इनका यही वाला गुड मॉर्निंग है, जब तक ये नहीं बोल पाती हैं तब तक इनका ये वाला गुड मॉर्निंग समझ ही गया है ना। गुन्नू एक ही किसी दे दो। हाँ गुड गर्ल, इधर भी दे दो। गुड गर्ल। डैडी को किसी दी? दी दी। अच्छा उधर दी हो, फोन को भी दे दो। ऐसे दे दो फोन, बताओ ऐसे करो, ऐसे देखो, बताओ किसी कैसे देते, पता। देखिए लाइट आ गई अभी। गुड गर्ल, अच्छा लगा। लाइट आ गई, सिस्टी को भी अच्छा लगा। लाइट खरी, लाइट ना रहे तो ऐसा लगता है कि आधा काम ही रुक जाएगा, और पानी ना रहे तो है ना बेटो। देखिए क्या कर रही है, बस आप देखिए ना, बिंदी रहने नहीं देती है मेरे सर पे। निकाल ली? हाँ। अच्छा लग गया? हाँ। कैसा लगा बता दो सबको। हाँ बता दो कैसा लगा। दिखा रही है, देखिए बिंदी निकाल ली हूँ। बुद्धि देखो बच्चों की, ये तो निकाल भी लूँ बस दिखा रही है। लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो, मम्मा को लगा दो, लगा दो मम्मा को, लगा दो मम्मा को, लगा दो। निकाल ली? अब फिर से लगा दो, लगा दो। देखिए कहाँ लगा दिए, जा भी लगा दो वही मम्मा खुश हो जाएगी। आप राजा बेटा हो ना, यहाँ लगाते बेटे, यहाँ। अच्छा देखो यहाँ लगा रहे, अखिया में लगा रही है। ऐसे सृष्टि की और सी बदमाशियाँ और सी मस्ती देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा, है ना गुन्नू। मेरा वीडियोस फैमिली वाला रहता है, उसको आप किसी फैमिली मेंबर में भी शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो, फैमिली वाला रहता है। हेलो दोस्तों, चल रही हूँ थोड़ा मैं क्लीनिंग करने के लिए अलमारी से। इस समय चपेट की, इन सब में फॉल लगाना, ये सब करना है, ये सब क्लीन करना है। थोड़े कपड़े लगा लूँ, सरिया दूँ उन सबको, थोड़ा घर साफ़ कर दूँ। क्लीनिंग करने के लिए आज मैंने टाइम निकाला है, रोज़ टाइम नहीं मिल पाता, सोचिए एक दिन क्लीनिंग के लिए भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मेरी सृष्टि सोई हुई है, वो सोई है तभी मैं काम कर पा रही हूँ, नहीं तो वो उठती है तो वो सोचती है कि मेरे पास बैठी रहे, खिलाए मुझे, यही सब सोचती है, इसी वजह से मैं टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। सृष्टि मेरी सोई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ सृष्टि सोई हुई है। उसका एक खिलौना मैं लेके आई थी, आज गई थी बाहर तो लेके आई, और बाहर मैंने ये लॉक लगा दिया है। आजकल पता नहीं कैसे लोग कुंडी खोल ले रहे हैं, इसी वजह से लॉक लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए हम लोग लॉक लगा के ही रखते हैं, क्योंकि अभी सृष्टि छोटी है ना, उसी वजह से उसको लॉक लगा के रखती हूँ। उसको क्या समझ, कोई कुछ दे देगा तो चली जाएगी, उसको समझ नहीं है।
इसीलिए उसको समझाने के लॉक लगाना पड़ता है, वो समझेगी तो है नहीं बात को इस वजह से। चलिए मैं फटाफट सारे काम कर लेती हूँ जो मैंने पान के रखा है, फटाफट कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आप सबसे। हेलो दोस्तों, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, आज भी इतना खुश हूँ, आज इतना बड़ा खुशी मुझे शिष्टी दी है ना, आज मेरी शिष्टी चलने लगी, आज पहली बार उसे चलना सीखा है। आपको चल के दिखा, चला के दिखाती हूँ उसको कैसे चलती हो। देखिए रात के 12 बज रहे हैं और ये लड़की हमको सोने नहीं दे रही है, क्या कर रहे हो सृष्टि? मार रहे हो डैडी को? कैसे मार रहे हो दिखाओ, डैडी को मार रही है, पकड़ इसको। देखिए फुल मस्ती के मूड में हो गई है ये, सोने का मत बोलो बस इनको। कब तक कैसा चलेगा तुम्हारा, कितनी देर तक, कितनी देर तक नहीं सोगी? अरे देखो कितना जोर से पीट रही है, डैडी है ना सिस्टू, डैडी है, मारो नहीं डैडी को। अब नहीं, सो जा, चलो सो जा, सोगी, चलो सो जा। तो देखो सोने का मूड नहीं है, वही जाके सो गई, बताओ डैडी को ऊपर सोते हैं, गंदी बात है बेटो, अच्छी बात होती है। उठो आप, उठो पहले उठो, चलो बाय, गुड नाइट कर दो सबको, बाय कर दो सबको, गुड नाइट बोल दो, इधर को बोल दो, टाटा बोल दो सबको। देखो मेरे पास आ रही है, चिट्टी पानी पी रहे थे, पी के दिखाओ कैसे पीती हो, पानी पी के दिखाओ, पानी पी के दिखाओ, पानी पी के दिखाओ, पी लो सृष्टि, अब अपने हाथ से उठा के पानी पी लेती है। सृष्टि खेलोगे? सृष्टि जब छोटी थी, मतलब अभी 1 साल की हुई थी, तब मैं उसके दोस्तों के साथ ना, ये कप उसका है, उस कप में उसको पानी दे के उसको चाय बोलती थी, ये चाय पी लो, उसके प्लेट में बिस्किट दे देती थी, बोलती खाना खा लो। देखिए वैसे वो भी कर रही है, क्या कर रहे हो गुनू, पानी पी रहे हो, पी लो पी लो, कैसे पी रहे हो दिखाओ, देखिए ऐसे ही पी रही है, लाओ दू, लाओ दू, दो हेलो, पी लो पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, पी लो। ओहो कितना अच्छे से पकड़ी है, देखिए इसको ऐसे लगा सच मुझ में चाय पी रही है। गुनू चाय पी लो, पी लो बेटे, अरे 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 राजा बेटा मेरा। हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 9, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल से, 1 घंटा हुआ, खाना मैंने चढ़ा दिया है, बन रहा है खाना धीरे धीरे। मुझे आपसे एक बात कहनी थी, अभी शाम को 4 बजे मैं गई थी हॉस्पिटल गायनोकोलॉजिस्ट के पास। मैंने आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं खुद डरी हुई थी क्या होने वाला है, मुझे एक छोटी सी गांठ हो गई है, वो गांठ को मतलब ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, तो वही मैं डरी हुई थी कि फालतू क्यों ऑपरेशन करके अपना शरीर ख़राब करवाओ, गल के निकल जाए तो ठीक है। तो डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर बोले ऑपरेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि गांठें कभी भी गलती नहीं है, और वो बड़ी हो गई, मतलब एकदम बड़ी नहीं हो गई, छोटी सी नॉर्मल है, लेकिन वो वैसी जगह है जहाँ पे वो गल नहीं सकता, तो इसी वजह से डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपकी बेटी अभी छोटी है, वो मेरा ब्रेस्ट फीड करती है अभी, मतलब दूध पीती है, तो वो नहीं, मतलब ऑपरेशन नहीं हो सकता, जब एकदम दूध सूख जाएगा तब वहाँ पर ऑपरेशन होएगा, तो वो होगा हमारा ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, ठंडी के मौसम में तब वो ऑपरेशन हमें कराना पड़ेगा।